तो मिशन गुजरात पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान तमाम बैठकों का दौर जारी है, रणनीति को लेकर के मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। तो वहीं आज सुबह वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। इस दौरान उन्होंने एक और तो बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि फिलहाल देश में जो माहौल है वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ ये माहौल है। तो वहीं अब ये जरा सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देखिए, सूरत से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज यहाँ मंच पर मौजूद है और कोशिश और कवायद यही कि गुजरात की जनता को साधा जा सके, तमाम जाति समीकरणों को साधा जा सके और उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अब आप जरा ये भी समझिए कि मुख्यमंत्री की जो भूमिका है गुजरात चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वो जरूर गए हैं, पर इससे पहले जब गुजरात चुनाव की कमान उनके कंधों पर थी तो उस दौरान हमने देखा कि ज्यादा अंतर नहीं था जीत हार में, बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया था और यही वजह कि इस बार भी उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस जादूगर का जादू राजस्थान में चला उस जादूगर का जादू अब गुजरात में भी चले। यही वजह कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री गुजरात के दौरे पर है, इससे पहले भी वो गुजरात गए और वहाँ पर बैठकों का दौर रहा और सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका के बाद लगातार उनके ये दौरे देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान चर्चाओं का दौर भी जारी है, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश का संचार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। आज जब उनसे सवाल पूछा गया कि कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, आने वाले का भी वेलकम है तो वहीं जाने वाले का भी वेलकम है। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, भारी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। उन्होंने जिक्र भी किया कि राजस्थान में हमने जिस तरीके से बेहतर काम किया है, आने वाले वक्त में हम और भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आने वाले वक्त में उसी गति से काम हो गुजरात में भी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, जिस गति से राजस्थान में बेहतर काम हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र उन्होंने किया, RGHS का जिक्र उन्होंने किया और ये तमाम योजनाएँ उन्होंने गिनाई कि किस तरीके से राजस्थान में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, आम लोगों को संबल दिया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जनता अब त्रस्त हो गई है, कुशासन है गुजरात में, अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा तो यहाँ पर भी गुड गवर्नेंस की नीति अपनाई जाएगी, यहाँ पर भी बेहतर काम होगा। और लगातार वो इस बात का जिक्र भी करते आए हैं कि गुजरात मॉडल खोखला है, गुजरात मॉडल की अब पोल खुल चुकी है। ये बीजेपी का एक पूरा एजेंडा है कि जो मॉडल वाली पॉलिसी है ये बीजेपी लेकर आई है, इसके माध्यम से बीजेपी कोशिश करती है कि लोगों के बीच में चर्चा बटोरी जा सके और उसी खोखले मॉडल के आधार पर बीजेपी आगे बढ़ी। पर अब मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने जिस तरीके से बेहतर काम राजस्थान में किया है, अगर जनता हमें मौका देगी तो ऐसे में गुजरात में भी हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे को लेकर हमारी सहयोगी अमृता गर्ग हमारे साथ जुड़ चुकी है। अमृता, पूरी जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर आपसे चाहेंगे और क्या कुछ पूरा स्केड्यूल? अभी सीएम गहलोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काफी उत्साह है लगातार कांग्रेस के हक में और यहाँ के स्थानीय नेता आनंद स्वागत किया तो मोदी को पहना दिया तो उससे और भी ज्यादा उत्साह बढ़ता है। जब स्थानीय नेता का इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का सम्मान बढ़ाते हैं तो इसी तरह की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो इस वक्त नवसारी जो है सियासत का गढ़ बना हुआ है और यहाँ पर तीन मुख्यमंत्री इस वक्त सीएम गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल भी हुए हैं दिल्ली पर और उनके साथ मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान तो नवसारी की जनता को साधने के लिए और उनके यकीन दिलाने के लिए उनके मुद्दों का हल इन्हीं पार्टी से तमाम नेतागण यहाँ तक पहुंच रहे हैं और नवसारी में अभी जनसभा को कुछ ही देर में सीएम संबोधित करेंगे। अभी यहाँ पर पहुंचे उसके बाद का कार्यक्रम भी आपसे साझा करते रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए अमृता, तमाम पहलुओं को खंगाला भी जा रहा है, आम जनता की नब्ज भी टटोली जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है, आम लोग त्रस्त हो चुके हैं। देखना होगा कि ये लगातार हो रही जनसभाएं और ये रैलियां
इतनी कारगर सिद्ध हो रही है। हालांकि लगातार हम बने हुए हैं सीएम गहलोत के साथ, कल भी हमने देखा भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई थी, बताया इसीलिए सीएम अशोक गहलोत को ग्राउंड पर उतारा गया है ताकि आम जनता को ये विश्वास हो सके कि कांग्रेस पार्टी के पास उनके मुद्दों का हल है। बाकी जब बात पिछली पार्टियों की करें तो लगातार जहाँ बीजेपी ग्राउंड पर है, हम देख रहे हैं कि तो उतरा हुआ है, तो वही अरविंद केजरीवाल भी कई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी से जो है और आम आदमी पार्टी को कहीं स्टैंड ही नहीं करती है, तो इसी मिशन के साथ आगे चल रहे हैं। तो लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए और लोगों से बातचीत करते हुए कल भी हमने देखा कार्यकर्ताओं से मिले, बैठक हुई है और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुबह संबोधित किया है और उसके बाद और भी अलग अलग कार्यक्रम उनके साथ में रहने वाले हैं। दो दिन तक आगे भी इसी तरह जनसभाएं और रैलियां उनकी तरफ से की जानी है। देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत गुजरात में जब ये विधो फूकेगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो होता है, क्योंकि गुजरात हमेशा शीर्ष नेतृत्व के साथ ही चला है। अगर भाजपा उतरी हुई है तो कांग्रेस को भी शीर्ष नेतृत्व के साथ उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, और जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, फिलहाल मंच पर कौन कौन मौजूद है, डॉक्टर रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा? अब मंच पर फिलहाल कौन कौन मौजूद है, गुजरात कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर मौजूद है? लेकिन मंच की तस्वीर अभी हम वहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन मंच में ये जरूर है कि यहाँ पर जो स्थानीय नेता है आनंद और उनके साथ और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है और सीएम अशोक गहलोत के साथ स्थानीय विधायक यहाँ पर मौजूद है और भी तमाम नेतागण यहाँ मंच पर मौजूद है और अभिवादन अगर सरकारी है फिलहाल अमृता, देखिए कल के हम मीटिंग्स की बात करें या आज जो मीडिया से बात मुख्यमंत्री ने कही और तमाम पहलुओं को अगर हम खंगालें तो एक और तो जहां बैठकों का दौर जारी है, जनसभाओं का दौर जारी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ये भी कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात की जनता की नब्ज टटोली जाए और अगर प्रवासी राजस्थान वहां पर रह रहे हैं तो उन तक भी एक बड़ा संदेश जाए। चलिए अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।